वक्त सुबह के 4 बजे का था। तापमान था करीब 19-20 डिग्री सेल्सियस। किसे गरज थी कि वो अखिलेश किस यात्रा में शामिल हो, लेकिन फिर भी हजारों हजार लोग अखिलेश की इस विजय यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव की रैली या चुनावी कार्यक्रमों में कितना जमीन आसमान का अंतर है, ये समझिए। नरेंद्र मोदी आते हैं तो भीड़ पैसे देकर बसें भेजकर बुलाई जाती है, लेकिन जब अखिलेश यादव विजय यात्रा निकालते हैं तो भीड़ अपने आप आ जाती है। ये लखनऊ का चांद सराय जीरो पॉइंट है। अखिलेश यादव की विजय यात्रा करीब 10 जिलों से होकर जब लखनऊ पहुंची तो सच्चे समाजवादी कार्यकर्ता सुबह 4 बजे उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। गोरखपुर, कुशीनगर, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी और लखनऊ, ये वो इलाके थे जहां से अखिलेश यादव की विजय यात्रा गुजरी। जिन रास्तों से भी अखिलेश यादव गुजरे वहां कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा रहा। एक दिन पहले करीब 12:30 बजे दोपहर को अखिलेश की यात्रा गाजीपुर में थी। शाम 4 बजे ये यात्रा मऊ पहुंच गई। शाम 7 बजे अखिलेश यादव की विजय यात्रा आजमगढ़ पहुंच गई। 12 बजे रात को यात्रा सुल्तानपुर पहुंची। 1 बजे रात को अमेठी पहुंचे थे अखिलेश यादव। 2 बजे रात को अयोध्या पहुंचे। 3 बजे सुबह में बाराबंकी में यात्रा पहुंची और सुबह 4:30 बजे लखनऊ। अखिलेश की यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी और उनके पीछे पीछे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का विश्वास चल रहा था। एक अनुमान के मुताबिक अखिलेश ने हर दिन करीब 250 किलोमीटर की यात्रा की। अखिलेश ने पूर्वांचल के इलाके में करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके बाद आज आपके बीच में 12 बजे पहुंचा हूं और अगर घड़ी देखेंगे तो मैं कल चला था, आज आपके बीच में पहुंचा हूं और जब इतनी बड़ी संख्या में है आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये सब जहां पे हम आज खड़े हैं, ये एक्सप्रेस वे किसने बनाया है आज से बेहतर कोई नहीं जानता। ये लोग जो कल आए थे इन्होंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक्सप्रेस वे बनाया जाता है। अगर किसी ने जनता के लिए और शहरों को जोड़ने के लिए, गांव को जोड़ने के लिए अगर किसी ने एक्सप्रेस वे का सपना देखा था तो वो समाजवादी पार्टी है, जिसने सपना देख करके आज वो सपना पूरा हो रहा है। ये जो हवाई जहाज उतरे हैं लड़ाकू विमान, क्या ये पहली बार उतरे हैं? जो आपने देखा यहाँ पर मिराज और सुखोई हरक्यूलिस, जो हवाई जहाज उतरे हैं क्या पहली बार उतरे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से 5 साल पीछे हैं। बताओ 5 साल पीछे हैं कि नहीं है? जो काम समाजवादियों ने 5 साल पहले किया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। सड़क पर हवाई जहाज उतारने का काम कर रही है। ये एक्सप्रेस वे केवल सड़क नहीं है, मैंने जब शिलान्यास किया था उस समय अखबार निकालिएगा याद करना, मैंने कहा था कि जितनी रफ्तार बढ़ा दोगे उतनी अर्थव्यवस्था तेजी से भागेगी। तो समाजवादी पार्टी ने अर्थव्यवस्था को, रफ्तार को बढ़ाने के लिए एक्सप्रेस वे बनाया है। और मैंने याद दिलाया हर बार कि अमेरिका जैसा देश एक ताकतवर देश है, उसने भी यही कहा था, वहां भी यही कहा जाता है कि सड़कों को अमेरिका ने बनाया और अमेरिका सड़कों की वजह से बनकर के आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई। अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया, इसलिए एक्सप्रेस वे बना करके हम लोगों ने आने वाले समय में अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं
ये शहरों को जोड़ने वाली, गांव को जोड़ने वाली सड़क, इसके किनारे मंडी बनाने का काम करेंगे, जिससे किसान की पैदावार को सही मूल्य मिल जाए। और आपको कहीं भाग जाना पड़े, कहीं जाना न पड़े, इसके किनारे किसानों की सुविधा के लिए हमें मंडी से लेकर के और सुविधा देनी पड़ी, तो उन मंडियों को बना करके हम किसानों की पैदावार की सही कीमत देने का काम करेंगे। चीनी मिल जरूर है यहाँ आसपास, चीनी मिल है, मैं आज आपके साथ घोषणा करके जा रहा हूँ। अभी तो कई बार आपको इंतजार करना पड़ता है, चीनी मिल में गन्ना देने के बाद आपको इंतजार करना पड़ता है कि आपका पैसा अकाउंट में कब आए। कई बार बहुत समय लग जाता है, लेकिन ये समाजवादी लोग हैं जिन्होंने लैपटॉप दिया था। मैं यहाँ पर कहकर जा रहा हूँ, लैपटॉप देने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने कर करके दिखाया था। मैं ये कहकर जा रहा हूँ, अपने गन्ना किसानों से वादा करके किसानों को जा रहा हूँ कि जैसे ही आपका गन्ना तुलेगा, चीनी मिल में जाएगा, उससे जिस तरीके से आप व्हाट्सएप कर लेते हो, उसी तरह आपके अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम समाजवादी लोग करेंगे।